हम लोग अपने लाइफ को कितना कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं किसी चीज को समझने में। अगर पहले दिन से अगर ये पता है कि मुझे एक मशीन से बात करनी है जिसको मैथमेटिक्स और लॉजिक के अलावा कुछ नहीं पता है, तो मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। कोई भी मशीन जो होता है वो एक गिवन सेट ऑफ इनपुट लेता है और डिजायर्ड आउटपुट देता है। अगर आउटपुट चेंज होगा या इनपुट चेंज होगा तो सेट ऑफ कंपोनेंट्स जो यूज किया गया है मशीन को बनाने में वो चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल, मेरे को ठंडी हवा चाहिए गर्म हवा से, मेरा इनपुट है गर्म हवा और उसको ठंडी हवा में कन्वर्ट करना है, तो मैं कंडेंसर यूज करके एसी बनाऊंगा। लेकिन अगर मुझे गर्म हवा से ठंडी हवा से गर्म हवा चाहिए तो मैं रेसिस्टेंस लगाऊंगा जिससे कि गर्म हवा जो जो ठंडी हवा है वो गर्म होकर के बाहर निकले। तो एक इंजीनियर का थॉट प्रोसेस जो होता है वो बिल्कुल नैरो डाउन होता है अगर वो इनपुट को ध्यान में रखे और आउटपुट को ध्यान में रखे, फिर कंपोनेंट चुने, ना कि पहले कंपोनेंट ले लिया, अच्छा मुझे कुछ तो बनाना है चलो कुछ बनाते हैं, और ये पता नहीं कि क्या इनपुट होगा मेरा और क्या आउटपुट हो चाहिए मुझे। तो ये चीज प्रोग्रामिंग में भी है, प्रोग्रामिंग में भी आपका इनपुट सेट डिफाइंड है। अगर प्री डिफाइंड नहीं है इनपुट सेट तो ये मशीन नहीं बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये मशीन भी फाइनाइट मशीन ही है। तो आप पहले इनपुट देखोगे कि मेरा क्या इनपुट आने वाले हैं और मुझे क्या आउटपुट चाहिए, फिर आप बीच का कंपोनेंट यानी लॉजिक तैयार करते हो, अरिथमेटिक यूज करते हो ताकि वो इनपुट को आप आउटपुट में कन्वर्ट करो। और ये चीज केवल और केवल एक ही तरीके से हो सकता है, वो है एल्गोरिथम बिजनेस, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आप दुनिया का हर लैंग्वेज नहीं सीख सकते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इतने सारे हैं या ह्यूमन लैंग्वेजेस इतने सारे हैं कि आप नहीं कुछ सीख सकते हो, लेकिन अगर आपका ग्रामर और कंपोजिशन अगर ठीक है तो आप फिर किसी भी लैंग्वेज में आपको दिक्कत नहीं आएगी सीखने में। तो ये होता है। मैं हिंदी जानता हूँ, इंग्लिश जानता हूँ और रशियन भी जानता हूँ। दिक्कत इसलिए नहीं हुई क्योंकि एक और संस्कृत एक्चुअली पढ़ा था, उसका भी ग्रामर और कंपोजिशन जानता था। तो इस वजह से फायदा क्या मिला कि मैं रशियन लैंग्वेज भी सीख सका। आज पाइथन आ गया है, पाइथन पहले भी था, ऐसा नहीं है कि पाइथन पहले नहीं था, वो अब उसका डिमांड इसलिए बढ़ गया क्योंकि अब उसमें ज्यादा फंक्शंस आ गए तो लोगों ने डिमांड बढ़ा दिया उसका। ठीक है, कल वो कोई और लैंग्वेज आ जाए तो आप कितनी बार वापस जाकर के लैंग्वेज सीखोगे? तो वहां पे मेहनत वहां करनी चाहिए जहां पे कि कम मेहनत में ज्यादा सफलता। मुझे अगर एक रूम से दूसरे रूम में जाना है तो मेरे पास में दो रास्ते हैं। एक तो है कि मैं दीवार पे धक्का लगाता रहूं, जिस दिन दीवार हटेगी तब मैं दूसरे रूम में जाऊंगा, दूसरा आराम से दरवाजा खोला और दूसरे रूम में चला जाऊंगा।